नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाईवे इंजीनियरिंग में। माय डियर फ्रेंड, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक ग्रुप पर और YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि हम जो सीमेंट के टेस्ट के लिए, जो हमारी सीमेंट होती है उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए जो हम उसका फाइनेंस वैल्यू निकालते हैं, तो उसका जो परमिसेबल रेंज होता है लेस देन 10% उसकी फाइनेंस होना चाहिए, तो ये लिखा कहाँ पर है। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस शेयर करना चाहूँगा। इस रेफरेंस के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को या अपने सीनियर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके लिए हम चलेंगे डियर फ्रेंड और यहाँ पर सर्च करते हैं IRC SP 112/2017 को। IRC SP 112/2017 का हम यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं पेज नंबर 130। ठीक है, पेज नंबर जब 130 आप इस PDF को चेक करेंगे, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। इसका पेज नंबर अगर आप देखें तो पेज नंबर है 130। ओके डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक प्रोफार्मा दिया हुआ है फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए। टेस्ट मेथड आपको मिल जाएगी IS 4031 Part 1 में। ओके डियर फ्रेंड, और ये टेस्ट प्रोफार्मा भी यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोफार्मा IRC ने शेयर किया है। यहाँ पर मेंशन किया है कि जो स्पेसिफाइड लिमिट है एज पर IS 8112 के अकॉर्डिंग वो है मैक्सिमम 10%, यानी कि जो रेसिड्यू है 90 माइक्रोन की सीप पर। रेसिड्यू से मतलब यहाँ होता है कि जो 90 माइक्रोन की सीप पर जब आप सीमेंट को सीविंग करेंगे तो जो रिटेन परसेंटेज है वो 10% मैक्सिमम है, यानी कि इससे अधिक रिटेन 90 माइक्रोन की सीप पर नहीं होना चाहिए। तो एक रेफरेंस आप यहाँ से ले सकते हैं और जो भी आपके क्लाइंट्स हैं या सीनियर हैं उनको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ओके डियर फ्रेंड, कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर मुझसे कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसी जानकारी आपको और चाहिए है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।